हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। मैं लोकेश, ओनर ऑफ रुद्र डॉग एंड कैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15। तो सुबह मॉर्निंग में मैं जिगर को लेके आता हूँ रनिंग पे, वॉक पे। और ये जो एरिया है ये बिल्कुल खुला एरिया है हमारे यहाँ हाईवे की तरफ। इधर ज़्यादा मकान वगैरह कुछ ही नहीं बने हुए, तो इधर ना कोई दूसरे देसी डॉग आते हैं और ना कोई और आते हैं, तो इसीलिए मैं इसको इधर ही लेके आता हूँ और इसको कम से कम 1 घंटा में यहीं पे एक्सरसाइज करवाता हूँ, फिर घर लेके जाता हूँ। क्योंकि जर्मन शेफर्ड के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको घर में बैठा कर रखेंगे तो वो जो आप चाहते हैं वैसा डॉग नहीं बन पाएगा। अगर आपके पास एक अच्छा ब्लड लाइन का डॉग है तो प्लीज़ आप भी अपने डॉग को एक्सरसाइज दें, और इतना टाइम नहीं हो तो कम से कम वॉक तो दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा डॉग कैसे एक्सरसाइज करता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा आप। तो फ्रेंड्स देखना, अभी आप अभी ये मैं एक ये लकड़ी जो है इसको फेंकूँगा। आज क्या है, हम इसकी बोन घर पे ही भूल गए, जल्दी जल्दी में निकल गए। तो अभी ये मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है यहाँ पे। अब देखते हैं इसको ये लेके आता है नहीं आता है, क्योंकि बोन तो इसको पसंद है तो ये बोन को तो लेके आ जाता है। तो चलिए फेंक के देखते हैं। जिगर, ये देखो अपना बच्चा रेडी है खेलने के लिए। फेंकूं? गो। ला 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 ला, जल्दी लाओ। ये देखो फ्रेंड्स, इसको इसमें बोन की खुशबू नहीं आ रही है, खाली है लकड़ी को देख के छोड़ दिया इसने। चलो फिर भी एक्सरसाइज तो हो जाएगी इसकी। देखो गो। फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड जो है वो एक प्लेफुल गार्ड डॉग है, और इनको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना डॉग एक्सरसाइज करेगा उतना एक तो ये फ्री माइंड रहेगा। अब ये देखो, उठा ली ना इसने लकड़ी, ये देखो। तो जर्मन शेफर्ड के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना ये डॉग एक्सरसाइज करेगा उतना ज़्यादा फिट रहेगा और खाना अच्छे से खाएगा। कोशिश ये करें कि ऐसे खुले एरिया में लेके जाएं आप, ताकि आपको एक्सरसाइज जब दो ना आप, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो फिर डॉग भी डिस्टर्ब होगा ना, तो प्रॉपर एक्सरसाइज लेगा क्योंकि उसका ध्यान फिर इधर उधर रहेगा। इसलिए कोशिश यही करें कि उसको ऐसी जगह लेके जाएं ज़्यादा कोई जहाँ आता आता नहीं हो। ये है अपना डॉग जिगर। ये बहुत, जो मेरे भाई वो जानते हैं इसे, इम्पोर्ट का सन है, इम्पोर्ट लिंडो वूम रेड हाउस का सन है। और जो मेरे भाई वीडियो पे नए हैं उनको बता दूं मैं, ये अभी 11 महीने का हो गया है। तो प्लीज़ आप भी अपने डॉग को ऐसे एक्सरसाइज दें ताकि आपका डॉग फिट रहे, फाइन रहे। तो अब फ्रेंड्स, मैं इसको और एक्सरसाइज दे देता हूँ अच्छे से, फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।
हाँ तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें, अच्छे करें बुरे करें। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी दिख रही है तो वो भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं कोई इतना कोई भारी यूट्यूबर नहीं हूँ, खाली एक अपने शौक़ के हिसाब से, ताकि लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल जाए, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि वीडियो वही आदमी बनाता है जो काम सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो काम गलत कर रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं, वो तो कभी वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो पागल बनाने से ही टाइम नहीं है उनको। तो इसलिए आप भी ऐसे लोगों से सतर्क रहें, डॉग लें किसी अच्छे ब्रीडर से लें, उसके घर पे जाकर देख के लें, एक ट्रस्टेबल आदमी से लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से ही डॉग लें, जिससे भी लें, बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं और ट्रस्टेबल आदमी है, तो दुनिया में सब एक जैसे नहीं है। तो प्लीज़ आप जब भी लें, अच्छे से जिससे भी लें उसके लिए जानकारी लें। आजकल फेसबुक पे इन पे जो आदमी ऑनलाइन जो चल रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब, तो मेरा ये मानना है कि वो चीटिंग शायद ही करेगा। तो प्लीज़ आप ऐसे आदमी से लें, ट्रस्टेबल आदमी से, ताकि आपका पैसा भी वेस्ट ना जाए और आपको एक अच्छा डॉग मिले जो आप सोचते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। प्लीज़ अपने डॉग्स का ख्याल रखें और अपने आसपास की स्ट्रीट डॉग्स का भी ख्याल रखें। तो चलिए, थैंक यू।